ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन के हमारी जिम्मेदारियां क्या है। पहले तो हमने अपने हक जान लिए, ठीक है, कि हमारी हकूक क्या है। अब हमने बताना है कि हमारे फराइज क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस विद मैनी फैसिलिटीज टू मेक अवर लाइफ कम्फर्टेबल एंड ईजी। गवर्नमेंट जो है वो हमें बहुत सारी जो है वो सहूलियात मुहैया करती है हमारी जिंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए। इन रिटर्न, बदले में, वी हैव ऑल्सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं टूवर्ड सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्ड स्कूल एंड हॉस्पिटल फॉर अवर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जो प्रोविंशियल, जो सूबाई गवर्नमेंट है वो हमारे लिए स्कूल और अस्पताल कायम करती है हमारी तालीम के लिए और हमारी सेहत के लिए। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है टू टेक केयर ऑफ दीज प्लेसेज एंड कीप देम नीट एंड क्लीन, कि हम उन जगहों का ख्याल रखें और उनको साफ सुथरा रखें। एज सिटीजन, शहरी होने के लिए, वी कैन एंजॉय द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट, हम अपने हकूक जो हैं जो गवर्नमेंट हमें दिए हैं वो हम उसके साथ रह सकते हैं। वी मस्ट फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी चाहिए। वी मस्ट इंश्योर दैट वी, हमें इन चीजों का यकीन नहीं बनाना चाहिए, इन चीजों को पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हम जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं, आई थिंक जब वोट वगैरह होते हैं तो हमें अपना वोट वगैरह कास्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड ऑबे लॉ, हमें कानून की इज्जत और उसका पासदारी करनी चाहिए। रिस्पेक्ट द राइट्स, बिलीव्स एंड ओपिनियन ऑफ अदर, हमें दूसरों के हकूक, उनके उनका ईमान और उनकी जो राय होती है उसका एहतराम करना चाहिए। पे इनकम टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस ऑनेस्टली ऑन टाइम, जो हमारे इनकम टैक्सेज हैं और जो दूसरे टैक्सेज हैं उन्हें ईमानदारी से हमें वक्त पे करना चाहिए, यानी अदा करना चाहिए। लव अवर कंट्री एंड डिफेंड इट इफ नीड बी, अगर ज़रूरत हो तो हमें अपनी कंट्री को, मतलब अपने मुल्क के लिए उसका दिफा भी करना चाहिए और उससे मोहब्बत भी करनी चाहिए। राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान डेडिकेट देयर एफर्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ राइट ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अवर कंट्री, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल। वो कहते हैं, अब देखें कुछ कुछ हमारी जो है ना, अब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ आना शुरू होगा। राइट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि कुछ ऐसी हमारे यहाँ पे ऐसे इदारे कायम कर दिए गए हैं जो हमारे हकूक के लिए बोलते हैं। अगर हमें कोई हकूक गवर्नमेंट नहीं दे रही तो दीज ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प अस टू गेट अवर राइट्स, ठीक है। वो कहते हैं बहुत सारी पाकिस्तान में बन चुकी हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत कर रही हैं हमारे हकूक, हमारे जो इंसानी हकूक हैं उनको बचाने के लिए। और दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेट्स रीड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डू डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल वर्क फॉर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? माइनॉरिटीज कहते हैं उन लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर मुस्लिम्स, वी पाकिस्तान में मुस्लिम्स कितने ज्यादा हैं, ठीक है, थीके? हम कौन है? मेजोरिटी। और जो पाकिस्तान में बाकी नेशनल, बाकी रिलीजन है, जैसे कि आपको पता है क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, सो दे आर माइनॉरिटीज, जो कम तादाद में है। सिमिलरली अगर हम इंडिया में देखें तो मुसलमान जो है वो माइनॉरिटीज हैं और मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इसी तरह हम अगर अमेरिका में देखें तो ज्यूज एंड क्रिश्चियंस आर मेजोरिटी एंड Muslims, Hindus and Sikh, ये सब कौन है? माइनॉरिटीज है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट टाइप के काम करती है, सोशल वर्क करती है आदमियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए। दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर मनी। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये पैसों के लिए काम नहीं करती, ये लोगों के लिए काम करती है। कैन यू टेल द नेम ऑफ सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पाकिस्तान? कैन यू टेल सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन? आई नो दिस ईदी फाउंडेशन, छीपा फाउंडेशन, देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पाकिस्तान just for human rights, not for money, okay? Okay, now it's a professional organization. These organizations work for the right of the working people from different occupation. For example, doctor, clerk, teacher, lawyers. जो professional organization होती है ये क्या करती है? ये इन लोगों के लिए काम करती है जो के professionals होते हैं, यानी कि अब देखें social organization हर बंदे के लिए काम करती है, minorities के लिए काम करती है, हर आम बंदे के लिए, सड़क पर बैठे हर बंदे के लिए काम कर सकती है। लेकिन professional organization specifically work for the people of different occupation. Occupation means जो उनके काम होते हैं उनके लिए ही काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के लिए कर रही है, क्लर्क के लिए कर रही है, टीचर्स के लिए कर रही है, लॉयर के लिए कर रही है, ठीक है। लेट्स रीकैप द चैप्टर। बींग अ सिटीजन मीन बींग अ मेंबर ऑफ अ कंट्री वेयर वन एंजॉय पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। वी नो देयर आर थ्री वेज टू गेट सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। तीन तरीके हैं सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉलो रिलीजन फ्रीली एंड टू गेट एजुकेशन एक्सेट्रा। हर शहरी का हक है कि वो अपना मजहब जो है वो खुलम खुला उसको पैरवी करें मजहब की, और अपनी तालीम पर फोकस कर सकें, तालीम जारी रख सकें, हर तरीके, ठीक है। गुड सिटीजन ऑलवेज फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो अच्छे शहरी होते हैं वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ राइट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन अवर कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में
बहुत सारी वो दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं. डू यू नो अंजुमे हिलाले अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, ईडी ट्रस्ट, ऑल पाकिस्तान, दीज आर द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पाकिस्तान. ओके, सी यू विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. अल हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.